हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन है, तो ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो भी हमारे फ़ोन के ऐप्स वगैरह हैं, तो ऐप्स वगैरह को आप कैसे हाइड कर सकते हैं ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि ऐप्स वगैरह को कैसे अपने फ़ोन में हाइड कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में ऐप्स को छिपा सकते हैं ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे अपने फ़ोन में ऐप्स को हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना हो, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में ऐप्स को छिपा सकते हैं, तो सिंपली प्राइवेसी पे जाना है। प्राइवेसी पे जाकर स्लाइड करना है, जहाँ से हाइड ऐप सेटिंग्स आपको मिल जाएगी, जिसके जरिए ऐप्स को हाइड कर सकते हैं और छिपा सकते हैं फ़ोन में। कुछ इस तरीके से 1 2 3 6 आपको पासवर्ड डाल देना है, जहाँ से ऐप हाइडिंग सेटिंग्स आ जाएगी। जिस भी ऐप्स को छिपाना चाहते हैं उस ऐप्स को बस ऑन कर देना है, जिससे जो भी ऐप्स होंगे आपके स्क्रीन पर शो नहीं करेंगे। देखते हैं, गेमिंग ऐप्स को भी हमने हाइड कर दिया है। तो कुछ ऐप्स हैं जिनको हाइड कर दिया, जो स्क्रीन पे शो नहीं करेंगे, देख सकते हैं शो नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से ऐप्स को हाइड कर सकते हैं और छिपा सकते हैं अपने ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन में। और जो भी ऐप्स आपने हाइड कर दें, यहाँ पर शो भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने छिपा दिए हैं। तो इस तरीके से ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। प्राइवेसी सेटिंग्स पे जाकर हाइडिंग ऐप्स पे ओपन करके आप ऐप्स को हाइड कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो